सो हेलो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी के डे टू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी की, जो कि अपनी एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई है। ये वोकैबुलरी सेशन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस और अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ये आज का डे टू है, डे वन आप इसका कल देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पर। तो डे टू शुरू करते हैं बच्चों अपना बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है हमारा एबडिकेट। अच्छा, यहाँ पर बी मिसिंग हो गया है। एबडिकेट, एबडिकेट यानी कि त्याग देना, अपनी स्वेच्छा से छोड़ देना किसी चीज़ को। याद रखें बच्चों उसको किससे याद सकते हैं हम लोग, देखिए जब भी किसी वर्ड में आपका आए ए बी, आप उसको याद रखें अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के अंदर ए बी कहा जाता है शॉर्ट में, तो इसको आप इसी से याद रख लें। और कैसे याद रखेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे कि अमिताभ बच्चन ने बीड़ी पीना छोड़ दिया है, या फिर अमिताभ बच्चन ने कैट को रखना यानी कैट को पालना बंद कर दिया है, त्याग दिया, अपनी इच्छा से छोड़ दिया है। तो अपनी इच्छा से त्याग देना, स्वेच्छा से छोड़ देना। अगर बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स की, तो अबेंडन त्याग देना, एब्जर्व एबनिगेट, और अगर बात करें एंटोनिम्स की तो रिटेन, रिमेन और क्लेम। इसके एंटो हो गए, इसके साइन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या कह रहा है बच्चों से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पक्षपात, यानी कि एक गलत कदम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपका एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया, तो मैंने इसको डिटो ही लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको याद कर सकते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है रम्यता, इसका साइन हो जाएगा आपका ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, और आपका ये एक नाउन है। अगर एंटो की बात करें तो कॉर्फनेस यानी कि भद्दापन, अगलीनेस गंदापन, डिफॉर्मिटी बेरुखापन। सो ये सभी इसके हो जाएंगे एंटो, तो ये साइन हो और एंटो आपके सामने रहे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनचेंटमेंट। देखिए एनचेंटमेंट का मतलब होता है जादू या आकर्षण, ये भी आपका एक नाउन है, इसके आखिर में एम ई एन टी आ रहा है। वर्ड आपका एनचेंट है, एनचेंट से बना एनचेंटमेंट, तो ये आपका एक नाउन हुआ। सिनोनिम्स हो जाएंगे विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट बोलते हैं भूतनी को, फैस्किनेशन आकर्षण, डिलाइट भी आकर्षण आनंद में। अगर बात करें एंटोनिम्स की, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा या हताशा, इंडिफरेंस यानी कि उदासीन। तो गाइस यहाँ आपके सामने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों रखे हुए हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड की तरफ, इमांसिपेट। नाउन हुआ आपका ये स्वतंत्र करना किसी चीज़ को, इमांसिपेट ध्यान रखें मुक्त करना, स्वतंत्र करना, मुक्त करना। तो गैस ये सभी इसके मीनिंग हो जाएंगे। अगर आप इसे याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं ईमान से पेट, ईमान से पेट यानी कि जो लोग ईमान से अपना पेट भरते हैं, जो लोग ईमान से अपना पेट भरते हैं भगवान उन्हें मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं अपनी इच्छाओं से, दुनिया से नहीं बच्चों। ये सिर्फ ट्रिक है वैसे भी याद रखने की। सिनोनिम्स रखेंगे इसके लिबरेट और फ्री, एंटोनिम्स इसको हो जाएंगे डिसफ्रेंचाइज और एनस्लेव। यस गाइस, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्थ विथ, यानी कि तुरंत। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा इमिडिएटली और इंस्टेंटली। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो लेटर यानी कि बाद में, या फिर बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारा फोमेंट।
फोमेंट यानी कि भड़काना, उकसाना किसी चीज़ को। सो गाइस इसके बात करें तो गाइस ये आपका नाउन है, और इसके सैनों की बात करें तो लोशंस भड़काना, एंटो की बात करें तो काम डाउन कूल डाउन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट वोकेबलरी बैच आपको हमारा किरण बुक से भी मिल जाएगा, जिसमें हमने कंप्लीट वोकैब कराई है उसकी, कंप्लीट साइनो, कंप्लीट एंटो, कंप्लीट ईडियम्स एग्ज़ाम्स में आए हुए, और वो भी सिर्फ आपके लिए 225 रुपीज़ में। और अगर आप सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपके लिए रहेगा ये 199 में। ऐसा क्यों बच्चों, क्यों कर लीजिएगा इसको भी, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ PYQs वोकैबुलरी ही काफ़ी है एग्ज़ाम्स के लिए, और ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में आई हुई है, और वहाँ पर जो मैं कराया है वहाँ पर 2021 तक के एग्ज़ाम्स की वोकैबुलरी है उसके अंदर, तो ये सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। आप उसको बाय करें और देखना शुरू करें, इससे आपकी डबल डोज तैयार हो जाएगी काफ़ी कुछ यहाँ से, और काफ़ी कुछ मैं आपको दे ही रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चों, अगला वर्ड है हमारा मैडम। मैडम बोलते हैं एक अविवाहित महिला को, एक ऐसी महिला जो कि अविवाहित हो, जैसे कि इसके साइन हो, ये बच्चों आपका नाउन है, साइन हो जाएगा डैमसल, एक गर्ल। इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, एक और याद रखें वो है लास, LASS, खूब अच्छे से रखें। और अगर एंटो की बात करें तो लैड, लैड यानी कि लड़का, हो सकता है आप लोगों के लिए न्यू वर्ड हो, लेकिन विद्याबालन के गाने के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ था, लेजी लेड, एक गाना आया था विद्याबालन का उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है बच्चों, लेजी लेड सही है, और बॉय लड़का, बैचलर भी इसके लिए लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप एक वर्ड है कॉमन दोनों के लिए ही, वह वर्जिन बच्चों, वर्जिन मतलब कोई ऐसा मेल या फीमेल जिसने कभी सेक्स ना किया हो उसे बोलते हैं वर्जिन। सो यहाँ आपके लिए बहुत सारे वर्ड हो गए, यहाँ पर बॉयज़ के लिए आप बैचलर भी लगा सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है हमारा ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव यानी कि लाभप्रद, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बच्चों गेनफुल, बच्चों आपका ये एक एडजेक्टिव है, एडवांटेजेस यानी कि लाभदायक, अगर बात करें एंटो की तो फेलिंग और हार्मफुल, जिसको हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड हमारा रेडियंट। रेडियंट मतलब बच्चों चमकशील, दीप्तिमान, जिसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा हो, प्रकाशमान यही बोल सकते हैं। नाउन है आपका एक दिया गया, अगर बात करें साइनो की तो है ब्राइट या ग्लेरिंग, अगर बात करें एंटो की तो डल या डार्क। चलिए बच्चों आगे बढ़ें, तो अगला वर्ड है हमारा हॉक्स, HOAX, छल, कपट, चीटिंग, धोखा, ये सभी इसके मीनिंग हो जाएंगे हिंदी में। और अगर बात करें इसके साइनों की तो ट्रिक, चीट, डिसीव, डिसीव इसका एक साइन हो जाएगा, BEGULE, बिगुल, धोखेबाज। तो कैसे ये सभी वर्ड हो जाएंगे धोखेबाज के लिए। अगर बात करें एंटो की तो ऑनेस्टी और कैंडर, ऑनेस्टी तो आपको पता ही है बच्चों, इसको याद रख लें आप लोग सिंदूर से, कि जो महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं बहुत ईमानदार होती हैं, याद रख लें इसको। चलिए गाइस साथ ही साथ गाइस बता दूँ मैं आपको बच्चों, MBA बुक का सलूशन भी चल रहा है आप लोगों को हमारे यहाँ पे ही, जिसका मैंने कल सेट 1 2018 से पार्ट 1 अपलोड किया था यानी कि डे 1, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर का सेट है तो इसमें 100 क्वेश्चन है आपके, उसका मैंने पार्ट 1 आपको अपलोड किया था जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, क्योंकि पहले ही पार्ट में जो है क्लोज टेस्ट आ गया था तो पार्ट थोड़ा सा लंबा नहीं रह पाया, लेकिन आज के इस पार्ट में हम लोग करेंगे आपको ग्रामेटिकली क्वेश्चन बहुत सारे, उनको करिएगा आज मेरे साथ में और जुड़े रहिए इसी तरह से बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।